हेलो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ लौकी की एक मज़ेदार रेसिपी। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने दो यहाँ पे कच्ची लौकी ली हैं, घिया ली हैं, बिल्कुल ये कच्ची हैं, इनमें बीज भी नहीं है। इनको छील लिया है और छीलने के बाद इनको टुकड़ों में कट कर लेंगे। टुकड़ों में कट करने के बाद एक लेंगे कुकर, कुकर में सारी घी जो हमने कट करके रखी है वो इसमें डाल देंगे और इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। अब करेंगे कुकर का ढक्कन बंद और गैस पे रख देंगे और दो विसल आने तक, दो सीटी आने तक हम पका लेंगे। हमारी घिया पक के तैयार है बिल्कुल। उसको निचोड़ लिया है मैंने, पानी निथार लिया है। एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें घिया डाल के इसको पीस लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट बन के तैयार है। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई, इसमें दो चम्मच डालेंगे देसी घी के। तो आप सोच रहे हो आज क्या बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं लौकी का हलवा। तो इसमें जो हमने लौकी पीस के रखी थी वो डाल देते हैं। सारी डालने के बाद अब हम घी में लौकी को भूनेंगे। हमारा काम आसान हो जाता है, हमने अगर घिया को उबाल लिया है तो हमारा हलवा 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। तो धीरे धीरे मतलब लौकी ने पूरा घिया जो कर लिया है, सोख लिया है, लेकिन हम जैसे जैसे पकाएंगे 5 मिनट में ही पक के तैयार हो जाएगा, ये कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देगा। अगर आपको कम घी में मीठा खाना पसंद हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। देखो इसने इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 कप दूध डाल दें तो यही काम करेगा। तो मैंने कंडेंस मिल्क डाल के अच्छे से चला लिया है, तो अब ये गाढ़ा हो गया है। तो मैंने टोटल 15 मिनट पकाया है, लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है, हाई पे नहीं। यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून इलायची पाउडर डाल दिया फ्लेवर के लिए। हमारा हलवा बन के रेडी है। एक हम प्लेट लेंगे, सर्विंग प्लेट, इसमें हम हमारा जो हलवा बन के तैयार हुआ है वो डाल लें। आपको यकीन मानिए विश्वास नहीं होगा, इतना टेस्टी लाजवाब हलवा बना है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो मैंने यहाँ पिस्ता और काजू से इसको थोड़ा गार्निश कर दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड एंड बाय।